हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में पांच रेसलिंग कंपनीज के बारे में बात करेंगे जिन्होंने कुछ नया करने की कोशिश करी लेकिन वो फेल रहे, जिसकी वजह से मजबूरन उन्हें बंद करना पड़ा। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, रेफरीज कैमराज। अपने कामयाबी के सालों में WCW ने ऐसे बहुत सारे नए आइडियाज का इस्तेमाल किया जो आज तक बहुत कारगर है। 90s के दशक में WCW ने रेफरी आई कैम नाम का एक न्यू कॉन्सेप्ट निकाला था, जिसमें रेफरी अपने सर पर कैमरा लगा हुआ एक हेलमेट पहनते थे। हालांकि ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये काफी सफल हुआ था। इसकी वजह से घर पर बैठे हुए फैंस को भी WCW के वॉर गेम्स मैचेस देखने का मौका मिलता था। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, लेकिन इसमें एक ही दिक्कत थी और वो ये कि रेफरी थोड़ा अजीब लगता था क्योंकि उसके सर पर एक कैमरा लगा हुआ था। हालांकि ये कॉन्सेप्ट जल्द ही खत्म हो गया, लेकिन 2000 में CML प्रमोशन ने इसकी नकल करी। तो ऐसा माना जा सकता है कि WCW के रेफरी कैमरा वाले कॉन्सेप्ट ने प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री पर कुछ तो असर पक्का डाला है। चलो बात करते हैं नंबर टू, टाउट। WWE को 2012 में इतना ज्यादा भरोसा था कि टाउट ही अब अगला फेसबुक या ट्विटर बनने वाला था। उन्होंने उस नेटवर्क के साथ एक डील भी साइन किया 2012 के समर्स में। सडन तौर पर इस पार्टनरशिप और इन्वेस्टमेंट के बारे में बयान जारी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा WWE ने आज टाउट इंडस्ट्रीज के साथ एक इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप की अनाउंसमेंट करी है, जिसका फायदा अब WWE के सभी एसेट्स जैसे TV प्रोग्राम, लाइव इवेंट्स, डिजिटल प्रिंट और सोशल मीडिया के 100 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर उठा सकते हैं। टाउट के प्लेटफॉर्म पर अब रियल टाइम वीडियोस अपडेट दिए जाएंगे, जिसे WWE के फैंस को एक नया सोशल एक्सपीरियंस मिलेगा। दरअसल टाउट एक वीडियो प्लेटफॉर्म था और WWE उससे इतना ज्यादा ऑब्सेस हो चुका था कि इसे फैंस परेशान होने लगे थे। WWE अपने रेसलर से ऐप के लिए छोटे प्रोमो बनवाता था और सभी फैंस यही सवाल करते थे कि इन प्रोमो के ट्विटर या फेसबुक पर क्यों नहीं डाला जाता, जो ज्यादातर लोग पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं। WWE ने ये पार्टनरशिप 2014 तक कायम रखी, जिसके बाद उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर वीडियो डालना बंद कर दिया और इसके साथ ही किसी भी WWE प्रोग्रामिंग पर उनका नाम भी नहीं लिया जाता था। टाउट कंपनी 2019 में हमेशा के लिए बंद हो गई और ऐसी अफवाह है कि WWE ने अपने इस असफल सोशल नेटवर्क में लगभग $5 मिलियन तक भी इन्वेस्टमेंट करी थी। चलो बात करते हैं नंबर थ्री, द रॉ रोबोट। WWE अपने शोज पर नई टेक्नोलॉजीज और नए कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करता रहता है और 2021 में रॉ के दौरान WWE ने द रॉ रोबोट का डेब्यू करवाया। ये रॉ रोबोट एक 3D रोबोट था जो स्क्रीन पर दिखता था और फिर ये रोबोट ग्राफिक्स और बाकी इन्फॉर्मेशन की तरफ इशारा करता था। ये एक अजीब विजुअल था और इससे शो में कोई खास बदलाव नहीं आ रहा था। फैंस के देखने से पहले ही रोबोट स्क्रीन से हट जाता था और हालांकि 3D ग्राफिक्स का इस्तेमाल अभी भी TV पर किया जा रहा है, लेकिन इस रोबोट की बात अब पुरानी हो चुकी है। तो चलो बात करते हैं नंबर फोर, WWE क्वेश्चनेबल ग्राफिक्स। एक रेसलिंग कंपनी की प्रेजेंटेशन में ग्राफिक्स बहुत जरूरी हिस्सा होते हैं, लेकिन 2017 से 2018 तक विजुअल मीडियम के मामले में उनकी समझ बिल्कुल गलत थी। उन्होंने सिंस के नाकामुरा और उसो जैसे रेसलर के लिए नए ग्राफिक्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और वो सच में हैरान कर देने वाले थे। नाकामुरा के एंट्री के लिए उन्होंने बस स्क्रीन पर रॉक स्टार शब्द चिपका दिया था और इसे पहले से ही बेहतरीन एंट्रेंस में कोई बदलाव नहीं आया। और अगर द उसोज की बात करें तो जब भी वो कोई प्रोमो बनाते थे और लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल करते थे, तब स्क्रीन पर जेल की सलाखें दिखती थी। ये बहुत ही बेकार विजुअल था और इससे द उसोज के किरदार में कुछ नया नहीं जुड़ पाया। ऐसा बताने की जरूरत नहीं है कि इन ग्राफिक्स के साथ ये दिक्कत उनका नेचर भी था। WWE की ऑडियंस इतना तो समझ सकती थी कि लॉकडाउन का मतलब जेल की सलाखों से है और इसलिए ये ग्राफिक्स इस बात का सबूत है कि WWE को अपनी ऑडियंस इतनी ना समझ लगती है। अच्छी बात ये थी कि इन ग्राफिक्स का इस्तेमाल ज्यादा समय तक नहीं हुआ और आज भी अक्सर सोशल मीडिया पर WWE के फैंस इन ग्राफिक्स का मजाक बनाते हैं। चलो बात करते हैं नंबर फाइव, द WWE ऐप। एक ऐसा समय भी था जब WWE किसी भी तरह के डिजिटल सोशल एंगेजमेंट पर बहुत डिपेंड था। 2012 से 2014 तक WWE को भरोसा था कि उनका WWE ऐप दुनिया का सबसे बेहतरीन ऐप है। उन्होंने आपके लिए खास कंटेंट बनाने के लिए बहुत मेहनत करी, जो एक अच्छा मूव था क्योंकि उस समय तक टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा और एक नया हिस्सा थे। इसके साथ ये दिक्कत थी कि वो ऐप अच्छे से नहीं चलता था और WWE जिस तरह से डिजिटल कंटेंट बनाती थी वो ज्यादा खास नहीं होता था। वो अक्सर ये दिखाते थे कि रॉ स्मैकडाउन के दौरान
कमर्शियल ब्रेक्स में क्या होता था, वैसे तो ये बहुत अच्छा मूव था, लेकिन इससे ये साफ नहीं हो पा रहा था कि ऐसा करने से कंपनी को ज्यादा पैसे कैसे मिलने वाले थे। धीरे धीरे एक्सक्लूसिव कंटेंट के मामले में WWE पीछे रह गया, और हालांकि ये ऐप अभी भी मौजूद है, लेकिन अब वो WWE.com का एक बड़ा हिस्सा बनकर रह गया है, और बस कभी कभी इस ऐप पर कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट डाला जाता है। UK और यूरोप के फैंस अक्सर इस ऐप का इस्तेमाल WWE नेटवर्क देखने के लिए, नई खबरें जानने के लिए और आने वाले इवेंट के टिकट के बारे में जानकारी लेने के लिए यूज करते हैं।